नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपसे फोलिक एसिड के संबंध में काफ़ी सारी जानकारियां शेयर की थी, आपको दी थी, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड कब तक लेना चाहिए, इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव शरीर में नज़र आते हैं, फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं और दूसरी कुछ महत्वपूर्ण बातें फोलिक एसिड को लेकर हम बताएंगे। आइए चर्चा करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चर्चा करें उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो फोलिक एसिड की आवश्यकता शरीर में हमेशा ही रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी की बात करें तो फोलिक एसिड गर्भावस्था धारण करने से 12 सप्ताह पहले से ही आपको लेना चाहिए और लगभग गर्भधारण हो जाने के बाद 12 सप्ताह तक तो आपको अवश्य ही प्रचुर मात्रा में लेना है। इसके बाद आपके डॉक्टर आपके शरीर की स्थिति को देखते हुए यह फैसला करेंगे कि आपको फोलिक एसिड 12 सप्ताह के बाद भी लेना है कि नहीं लेना है। किसी भी स्थिति में डॉक्टर पूरी गर्भावस्था के दौरान आपको यह कह सकते हैं कि आपको फोलिक एसिड लेना है। इसके लिए वह आपको सप्लीमेंट लेना बता सकते हैं, कितना लेना है यह डॉक्टर आपके शरीर का चेकअप करके ही आपको बताएंगे। महिला के शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उसे कई प्रकार के लक्षण नज़र आने लगते हैं। कुछ लक्षण जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार से हैं। ऐसे में गर्भवती स्त्री को बहुत कम भूख लगने लगती है, शरीर का रंग फीका पड़ जाता है क्योंकि ब्लड की कमी शरीर में हो जाती है, शरीर की ऊर्जा अर्थात कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, महिला हमेशा थकान थकान सी महसूस करती है, महिला को सर दर्द की समस्या हो सकती है और दस्त लगने की समस्या भी इस वजह से नज़र आती है, कभी कभी महिलाओं को चिड़चिड़ाहट की समस्या भी नज़र आने लगती है। अगर महिला के शरीर में फोलिक एसिड की कमी है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी है, भले ही महिला को कुछ सिम्टम्स नज़र ना आए फोलिक एसिड की कमी के, लेकिन उसके शिशु पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जिनके अंदर फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। आप दलहन दालें अपने भोजन में शामिल करें, इनमें फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप नाश्ते के तौर पर आटे को दाल में मल लीजिए, उसके बाद उसके पराठे बनाकर खाइए, देसी घी के, घी कम मात्रा में लगाइए, यह बहुत अच्छा रहेगा। अलग अलग तरह की दालों को अपने रोज़मर्रा के आहार में शामिल करें, जैसे कि अरहर तुअर दाल, मसूर की दाल, हरी मूँग, छिलके वाली उड़द की दाल इत्यादि, यह भी फायदेमंद होती है। गर्भवती स्त्री का पाचन तंत्र थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए गरिष्ठ भोजन खाने से बचना चाहिए। राजमा भी एक गरिष्ठ भोजन होता है अर्थात भारी भोजन होता है, लेकिन इसके 100 ग्राम के अंदर 46 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए राजमा खाने में आप जल्दीबाजी ना करें, खाएं चबा चबा कर खाएं, फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से दूसरे भारी भोजन जैसे कि छोले और लोबिया, राजमा की तरह इसमें भी फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फोलिक एसिड के अच्छे स्रोत हैं, इन्हें भी खाते समय बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रहे, भारी भोजन है राजमा की तरह, लोबिया और छोले रात को नहीं खाने हैं, ना ही राजमा खाना है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि रात में बढ़िया हैं खाने के हिसाब से, रात में खाए जा सकते हैं, जिनमें फोलिक एसिड भी अच्छी मात्रा में होता है, जैसे कि पालक की सब्ज़ी, हरी गोभी जिसे हम ब्रोकली भी कहते हैं, यह भी रात में खाई जा सकती है, और कुछ दालें जो अधिक सुपाच्य होती हैं वह भी रात में फोलिक एसिड की मात्रा के लिए खाई जा सकती हैं। अगर आप दलहन दालों को पालक के साथ मिलाकर खाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, अच्छी मात्रा में फोलिक एसिड प्राप्त होता है। आप अपने भोजन में फोलिक एसिड के लिए हरी मटर का प्रयोग सब्जी के रूप में कर सकते हैं, सूजी के अंदर भी अच्छी मात्रा में फोलेट पाया जाता है, अखरोट अनार दोनों फोलेट के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं, फोलिक एसिड आपको प्राप्त हो सकता है। साबुत अनाज से बनी ब्रेडें भी फोलेट अर्थात फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। एक फल है एवोकाडो, इसके अंदर एक फल के अंदर 162 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, यह एक फल है, फोलिक एसिड की बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया है, यह शरीर में एक दिन में ली जाने वाली फोलिक एसिड की करीब करीब 41% मात्रा को पूरा करता है। इसमें विटामिन सी, फैटी एसिड्स, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। केला और टमाटर भी फोलिक एसिड के स्रोतों में आते हैं, इन्हें भी आप अपने भोजन में जरूर शामिल करें। दोस्तों, हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं, जैसे कि फोलिक एसिड किस तरह से गर्भधारण में सहायता करता है, तो हम आपको बता दें आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, इस वजह से यह गर्भाधान से पहले ही खाने की सलाह इसको डॉक्टर देते हैं।
एक प्रश्न है कि अगर महिला जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती है तो फिर हमें कितना फॉलिक एसिड चाहिए होता है एक दिन में। इसके लिए महिला को लगभग, हम बता दें, 1000 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी आप अपने डॉक्टर से ले लीजिए, क्योंकि वह आपकी स्थिति को देखते हुए, आपके शरीर के चेकअप करते हुए, आपके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा को देखते हुए आपको बता सकते हैं कि आपको कितना फॉलिक एसिड लेना है। अधिक फॉलिक एसिड खाने से हमें दस्त की शिकायत हो जाती है, तो कुछ महिलाओं के साथ यह समस्या हो सकती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें और डॉक्टर से भी सलाह लेते रहें। फॉलिक एसिड गर्भस्थ शिशु को नुकसान दे सकता है, तो इसका जवाब यह है कि हर एक फायदा करने वाली वस्तु, पोषक तत्व, अगर आप लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो नुकसान देगी ही देगी। इसलिए हर चीज़ को शरीर के लिए निश्चित मात्रा होती है शरीर में उसके लेने की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कई गुना का फर्क आ जाता है तो वह दिक्कत देता है। जैसे कि अगर आप पानी लिमिट से ज़्यादा पी ले तो वह भी पलट के बाहर आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो चीज़ कोई सी भी हो, अगर आप संयमित मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा देगी, अगर बहुत कम मात्रा में लेंगे या बहुत अधिक मात्रा में लेंगे तो नुकसान देगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।